نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في سورة الأعراف وأعرض عن الجاهلين مرا موضوع خطابت उसने अखलाक की अहमियत व ज़रूरत और इसकी दूसरी किस्त लेकर मैं आपकी ख़िदमत में हाजिर हुआ हूँ असान इस्लामिक फ़ाउंडेशन टी वी के नादरीन का उसने अखलाक की अहमियत व ज़रूरत की दूसरी नशस्त में मैं इस्तबाल और आप सबका ख़ैर मक़दम करता हूँ दूसरी नशिस्त में इनशा नबी करीम जनाब महमदर रसोल्ला सल् वसम केसन अखलाक की कुछ झलकियाँ आपके कुछ अखलाकी गोशे इनशा में पेश करने की कोशिश करूँगा और उन्हीं की रोशनी में इनशाला सुब अपनी अखलाक़ी तरबियत करेंगे नबी करीम सला वम ज़िंदगी के बहुत सारे अखिलाकी गोशे हैं उनमें से एक अहम गोशा तोज़ो व खाकसारी है नबी करीम सल्ला वसम इमाम्बियाँ हैं आप सैदुलबशर व सैदुलमरसलिन हैं लेकिन इतने बड़े मकाम पर फ़ाइज़ होने के बावजूद आप सल्ला वसम नहाय थी मुतवाज़े और खाकसार इंसान थे तवाजो और ख़ाकसारी का पैकर थे आप और किब्र गुरूर, तकबुर शेखी इन सारी बुरी आदतों से नबी करीम की जिंदगी बिल्कुल पाक साफ़ और बिल्कुल सुथरी थी जब नबी के तोज़ुँ खाकसारी की बात करते हैं तो इस सिलसिले में बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं मैं उनमें से चंद को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा खाद रसूल हजरत अनस बिन मालिक रज़ी बयान फरमाते हैं नबी करीम सल्ला वम की, की खाकसारी के बारे में कहते हैं कि मदीना के लौड़ियों में से कोई लौड़ी आती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लेती और आपको जहाँ चाहती वहाँ लेकर जाती मदीना में एक औरत थी जिसका दिमागी तवाजुन ख़राब था लौडी थी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा मुझे आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम मदीना की गलियों में से जिस गली में मुझे लेकर जाना चाहो लेकर चलो मैं तुम्हारी गुफ्तगु सुनूंगा तुम्हारी फरियाद सुनूंगा मैं तुम्हें बात करने का मौका फराहम करूंगा इस मसले पर ज़रा गौर करें उस औरत का दिमागी तोज़ुन ठीक नहीं था लौड़ी थी और समाज और माशरे में लौड़ियों की कोई ख़ास अहमियत नहीं होती थी उस जमाने में और आज भी नहीं होती उतना उसके बावजूद अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने उसको गुफ्तगू का मौक़ा फ़राहम किया जब वो आपके पास आई डायरेक्ट उसने आपसे मुलाकात किया आपसे मुलाकात के लिए ना कोई दरबान मुतय्यन था ना कोई सिक्रेटरी मुतय्यन था नबी करीम अलैहि वसल्लम से उसने बिलमुशाव गुफ्तगू किया आप अलैहि वसल्लम ने उसको मौका दिया ताकि वो बिलाझक अपनी परेशानी आपके सामने बयान कर सके, आप उसकी बातें सुन सकें और हर मुमकिन तरीक़े से उसकी मदद कर सके। एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है दूसरी तरफ हमारा अपना मामूल है ज़रा देखिए तो सही आज हमारा वतीरा कैसा है आज अगर किसी शख्स को कोई मामूली वहदा मिल जाता है कोई मामूली मनसब मिल जाता है तो वो गुरूर से चूर चूर हो जाता है गुरूर से भरपूर हो जाता है उसके पैर ज़मीन पर नहीं टिकते वो अपने मिलने जुलने वालों के दरमियान सिक्रेटरी और दरबान मुतिन कर देता है और बड़ी मुश्किल से साहब तक रसाई हो पाती है कभी कभी तो ऐसा होता है कि बायदा सिक्रेटरी को रिश्वत देकर साहब से मिलने का मौक़ा मिल पाता है अल्ला अकबर मेरे भाइयों बुज़ुर्गों नौजवानों ख़वा इस्लाम याद रखें अगर अल्लाह ताला किसी को कामयाबी दे तरक्की दे कोई बड़ी नेमत मिले कोई अहदा मिले कोई मनसब मिले तो उस पर इतराने के बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए इन अल्लाह इबलफ़रीन ला बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता इन आब्बल्ला मुखाल फ़खूर फख्र रूर करने वालों और शेखी खोरों को अल्लाह ताली पसंद नहीं फ़रमाता है अगर किसी को अल्लाह ताली अली मकाम अता करे अली मरतबद बनाए तो उसको चाहिए कि वो आप अपने मातहतों का ख्याल रखे लो, लोगों पर म ना करे लोगों को हकीर ना समझे और लोगों की तोहन ना करे बहुत बड़ा गुनाह है तकबुर बहुत बड़ा गुना है किसी शायर ने कहा है किसी का दिल दुखा होगा यकीनन इस हवेली में तभी तो गोशे गोशे में ये जाले रक़्स करते हैं धितम की वजह से लाखों करोड़ों की हवेलियाँ आज वीरान पड़ी हैं उसमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है हवेली में झाड़ू मारने तक वाला कोई मौजूद नहीं है अल्लाह अकबर अल्लाह के लिए खाकसारी इख्तियार करें तकबर और शेखी खोरी से अपने आप को दूर रखे तकबर यह बहुत बुरी सिफत है सूर नशा उठाए सूर नशा आयत नंबर छत्तीस में अल्लाह रबुलामीन ने तकरीबन दस हकूक का तस्करा फरमाया वाहबुल्ला वाला तुशरकूब ही सैया उबिल वाले अहसाना अल्लाह की इबादत करो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो यतीमों मस्किनों पड़ोसियों रिश्तेदारों सारे लोगों का ख्याल रखो माताहतों का ख्याल रखो दस हकूक का तस्करा करने के बाद आयत के अख़ीर में अल्लाह रबालमी ने क्या फरमाया इन आब्बमन का नाम मख्ला फ़खूरा बेशक अल्लाह ताला फ़खर व करने वालों को शेखी खोरों को पसंद नहीं फरमाता है मुबसिन कराम ने यहाँ एक नुत बयान फरमाया है कि दस हकूक़ के बाद अल्लाह ताला ने आखिर में फ्र गूर की मजम्मत क्यों बयान की इसके पीछे हकमत क्या है इसके पीछे राज क्या है तो मफसरिन कराम ने लिखा है कि इसके पीछे राज यही है कि जिस शख्स के अंदर फख्र गुरूर होगा जिस शख्स के अंदर तकबुर होगा व ना तो अपने अल्लाह के हकूक़ सही तौर पर अदा कर सकता है और ना ही बंदों के हकूक़ सही तौर पर अदा कर सकता है तो तकबुर वो बुरी शे है जो फ़ौर टूट जाती है तकबुर से परहेज़ करें मुतवाज़े और खाकसार बनकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें इसी में दुनिया में भी इज्ज़त मिलेगी और आखिरत में भी इन शाह हमारा मुकाम बुलंद फ़रमाएगा नबी करीम जनाब महमद्ला वल्म ने फरमाया मा तो रफा जो अल्लाह के लिए तवाज़ो और खसारी इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसका मकाम, उसका मर्तबा बुलंद फरमाता है नबी करीम जनाब महम्मदोल्लाम नाजो नखरे और तखल्लुफ़ात इन सारी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहते थे बड़ी सादगी वाली ज़िंदगी थी आपकी अब्दुल्ल इबन अब्बास रजी अल्लाह कहते हैं

जो जौ की रोटी की दावत होती थी अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम जौ की रोटी की दावत पर ग़ुलाम की दावत को कबूल कर लिया करते थे आपके अंदर जर्र बराबर जो है फ़खर व नहीं था इन सारी चीज़ों से बिल्कुल आपकी ज़िंदगी पाको साफ़ थी और अल्लाह के नबी सल्ला वम घरेलू काम काज में घर वालों का हाथ बटाते थे हज़रत असद बिन रसीद रजी अल्लाह उन्होंने कहते हैं आयशा रज़ी से पूछा गया अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम घर में क्या करते हैं माएशा रजील्हा ने कहा यकून फ़ी मेहनत अली एदमत अली अल्लाह के नबी वम अपने घर में होते थे तो घर वालों की खिदमत में मसरूफ़ रहते थे अल्लाह के नबी व तो अपना काम काज खुद कर लिया करते थे अपने जूतों की मरम्मत अपने कपड़ों की मरम्मत खुद कर लिया करते थे घर में झाड़ू लगा देते अल्लाह के नबी वम बकरियों का दूध दूह लेते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूँद दिया करते थे छोटे मोटे कामों में आप घर वालों का साथ देते थे और ऐसा करने से ज़िंदगी खुशगवार होती है ऐसा करने से आपस में नाचाखियाँ और नफ़रतें और क़ुदूरतें ख़त्म होती हैं और ज़िंदगी को अल्लाह ताला खुशगवार बना देता है इस दवा ज़िंदगी जो है बिल्कुल कामयाबी का सफ़र तय करती है और बड़ी कामयाबी के साथ बड़ी खुशी के साथ इस दवाजी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है तो नबी करीम जनाब महम्मदूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आपके किरदार और आपके आदात को हमेशा अपने सामने रखें और उसी सांचे में अपने आप को ढालने की कोशिश करें अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के सहाबा अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे आपके एक अदना इशारे पर अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में आते थे सहाबा बैठे होते तो सहाबा उठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल नहीं करते थे क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम तज़ीमी से मना फ़रमाया आप इस बात को सख्त नापसंद करते थे इसलिए सहाबा खड़े होकर आपका इस्तकबाल नहीं करते थे आज हमारा मामला क्या है आज देखिए स्कूलों में चले जाइए टीचर क्लास में पहुंचता है तमाम तलबा व तलिबात तमाम स्टूडेंट्स खड़े होकर टीचर का इस्तेबाल करते गुड मॉर्निंग टीचर इसी तरह से ऑफ़िस में चले जाइए ऑफिस का बॉस जब ऑफ़िस में दाखिल होता है तमाम के तमाम वर्कर्स खड़े होकर जो है ऑफिस के बॉस का इस्तेबाल करते हैं कंपनी का मालिक कंपनी में दाखिल होता है कंपनी के वर्कर्स खड़े होकर उसका इस्तेमाल करते हैं और लोग इसी को तहजीब कहते हैं इसी को कल्चर कहते हैं ये तहजीब नहीं है ये सकाफत नहीं है बल्कि ये तकबर है और ऐसी तहजीबें इस्लाम का जनाजा निकाल दे रही हैं। नबी करीम जनाब महमदरसूल सल्ला व्ल् ने फरमाया ला यदलजन्नता मन का नफी कल भी मिसकाल किब्र जिस शख्स के अंदर जर्रा बराबर भी किब्र होगा ऐसा शख्स जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह लोगों को खिताब करते हुए खुतबा देते हुए फरमाते या यू तो लोगो तोज़ो खाकसारी इख्तियार करो क्योंकि जो तवाज़ो खाकसारी इख्तियार करता है अल्लाह उसको बुलंद करता है तो खसारी इख्तियार करने वाला अपने आप में तो छोटा होता है लेकिन लोगों की नज़रों में बहुत बड़ा होता है और मतकबर शख्स जो तकबर अख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको पस्त कर देता है जलील कर देता है वो लोगों की नज़रों में तो अपनी नज़र में तो बहुत बड़ा होता है लेकिन लोगों की नज़रों में बहुत हकीर होता है बहुत छोटा होता है तो तकबर से बचें तो खाकसारी इख्तियार करें यही हमारे नबी जनाब महम्मदरसूल्ला वसलम का हसन अख्लाक है और आगे बढ़ें आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन खूबी एक बेहतरीन सिफत माफ करना अफोदरगुजर अफो दरगुजर अफो दर आपकी बहुत बड़ी ख़ूबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बुरदबार और बड़े मतहमल मिजाज थे अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम लोगों की तरफ से पहुंचने वाली अजीयों को आप अंगेज़ कर जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल पर नहीं लेते थे आप लोगों को माफ़ कर दिया करते थे खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को माफ़ कर दिया करें लोगों के लिए आप इसफ़ार करें अल्लाह ने फ़रमाया फसफ़ हल जमील बड़े बेहतर अंदाज में आप लोगों की गलतियों को अंगेज़ कर जाएँ लोगों की गलतियों को आप दरगुजर कर दे चुनान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफो दरगुजर से भरपूर थे मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ सही बुखारी का वाकया है हज़रत अबू अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक क़र्ज़ ख़ास शख्स जिससे अल्लाह के नबी स एक ऊँट कर्ज़ पर लिया था और उसका वक्त मुतन था कि इतने दिन में वापस करना है वक्त से पहले वो शख्स आपसे कर्जा वसूल करने के लिए आ गया हदीस के अल्फाज हैं ये तुफ ला वो कर्ज का मुतालबा कर रहा है और उसमें जो है सख्ती के साथ आपसे पेश आ रहा है एक गलती तो उसकी है कि वक्त से पहले पहुंच गया और दूसरी गलती है कि तमाम सहाबा के सामने वो आप सलील्हल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है और सख्त अल्फाज में आपसे सख्ती के साथ आपसे क़र्ज़े का मुतालबा कर रहा है फ़हम अबी अब रसूल सल्हुसम अल्लाह के रसूल सल वसम के सहबा को ये बात बहुत बुरी लगी करीब था कि सहाबा उसको उस पर पिल पड़े और उसको सबक़ सिखाएँ लेकिन अल्लाह के नबी व ने कहा दाऊ उसको छोड़ दो फ़ैन अल साहिबिल्क मकाला हक़ वाले को बात करने का इख्तियार है भाई उसका माल है उसको बात करने का हक़ हासिल है उसको बात कर लेने दो और हमको सुनना ही पड़ेगा उसकी बातें उसके बाद अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा कि देखो मैंने उससे जो कर्ज लिया था उसी के हिसाब का ऊँट उसको वापस कर दो साहबा ने तलाश किया उस तरह का ऊँट नहीं मिला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बेहतर ऊँट मिल रहा है उससे ज़्यादा क़ीमती ऊँट मिल रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कीमती ऊँट दे दो जब वो शख्स अपना ऊँट पा गया और जैसा ऊँट दिया था उससे बेहतर और क़ीमती ऊँट पा गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इस अंदाज और तर्ज़ गुफ्तु पर आपने उसकी कोई सरदरिश नहीं की बहुत खुश हुआ और उसने बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआएं दी आपके अखलाक से बहुत मुतासर हुआ और कहा लकद औनी औुबिक मोहम्मद वसल्लम आपने तो पूरा पूरा कर्जा अदा कर दिया पूरा पूरा हक अदा कर दिया अल्लाह ताला भी आपको पूरा आता फरमायाल् अकबर यह है अफोद दरगुजर तो हमें अपने अंदर यह सिफत पैदा करनी चाहिए माफ़ करने की आदत डालनी चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि की पूरी ज़िंदगी आप पढ़ लीजिए पूरी ज़िंदगी का मुताल कीजिए अल्लाह के नबी वसल्लम की के अंदर ये ख़ूबी ये सिफत हमेशा चाहे वो मक्की ज़िंदगी हो चाहे वो मदनी ज़िंदगी हो आपके अंदर ये खूबी हमेशा मौजूद थी मक्की दौर के तल्लुक़ से किसी शायर ने लिखा है क्रैशी औरतें कांटे बयाबानों से लाती थी गुजर गाहे गुले गुलजार वहदत में बिछाती थी नजासत घर के दरवाजे पे लाकर डाल जाती थी झगड़ती बदजबानी करती थी फितने उठाती थी मगर वो मुंबई जूदो सखा खामोश रहता था जबा से कुछ न कहता था दुआए खैर करता था अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर गालियाँ देने वालों को अल्लाह के नबी वसल्लम दुआएं दे रहे हैं तायफ का वाकया उठा लीजिए वालों ने क्या कुछ नहीं किया नबी के साथ आपकी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया औबाशों और बदमाशों को आपको पीछे लगा दिया उन्होंने हुटिंग करना शुरू किया पत्थरों से मारने लगे इतना मारा कि आपकी टांगों से खून बहकर जूते में जम गया नबी बेहोश हो गए जब आपको होश आया आप वसल्लम ने उनके लिए दुआ किया इस कौम को हिदायत दे इस कौम को राह सवाब बता फरमा अल्लाह मेरी हैसियत नहीं जानते मेरी हकीकत नहीं जानते हैं मेरी हैसियत से मेरी हकीकत से नावाकिफ है इसी बिना पर ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जब मक्का फतेह हो गया सन आठ हिजरी में तमाम मुजरिमीन मौजूद हैं उसमें ऐसे मुजरमीन भी हैं जिन्होंने कई बार आपको जान से मारने की कोशिश किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते एक एक से चुन चुन कर बदला ले सकते थे लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया आपने तमाम लोगों से खिताब करके फरमायाबू फुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो आज तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया जाएगा तुम्हारी सारी ख़तें तुम्हारी सारी बदमाशियाँ तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ की जाती हैं अल्लाह अकबर वो नबीय में रहमत लखब पाने वाला मुरादें गरीबों की बर लाने वाला अल्लाह अकबर आप देखें फतेह मक्का के मौके पर एक मुसलमान जब मक्का फतेह हो गया आवाज लगा रहे थे अल योम योमुल मलहमा आज तो खून खराबे का दिन है आज खून बहाने का दिन है हमारी तलवारें होंगी और इन दुश्मनान के सर होंगे अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने कहा रोको उनको आज का दिन यमुल मरहमा आज खून खराबे का दिन नहीं है बल्कि आज एक दूसरे पर दया और रहम करने का दिन है आज एक दूसरे के साथ मरसी और रहम करने का दिन है आपने कहा खून खराबे का दिन नहीं है तो मेरे भाइयों माफ करना ये नबी करीम वसल्लम की बड़ी बेहतरीन खूबी थी बड़ी अच्छी अदा थी बड़ी अच्छी सिफत थी हम तमाम लोगों को अपने अंदर ये आदत पैदा करनी चाहिए इस खूबी को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए माफ करने की आदत डालनी चाहिए आप देखें हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्ला नबी करीम सल्लाम से सवाल करती हैं अल्लाह है के रसूल अलैहि व्ल् अगर मैं ललित्र को पालू तो मैं क्या दुआ पढ़ूँ ललित्र मुबारक रात अल्लाह के नबी वसम ने उनको कोई दूसरी दुआ नहीं सिखाई रुपया पैसा मालो दौलत या उम्र में ज्यादती की दुआ नहीं सिखाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ी की दुआ सिखाई कौन सी दुआ अल्लाह बेशक तू माफ करने वाला है माफ करने को पसंद फरमाता है ऐ अल्लाह तू मेरी खताओं को माफ फरमा दे तो अगर हम लोगों को माफ करना सीखेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारी ख़तए माफ़ फरमाएगा अल्लाह ताला भी हमारी गलतियाँ माफ़ फरमाएगा और अल्लाह रबुलामी दुनिया में हमें आफतों से मुसीबतों से बचाएगा और आखिरत में अल्लाह ताला हमको बुलंद मकाम अता फ़रमाएगा तो अपने अंदर माफ़ करने की आदत डालनी चाहिए मेरे भाइयों मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों मोहतरम नाजरीन आप गौर करें देखें नबी करीम अलैहि वसल्लम की अखलाकी झलकियाँ बेशुमार हैं और अगर इस पर गुफ्तू की जाए बात की जाए तो इसमें घंटों दरकार है तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के नबी जनाब महम्मदरसूल्ला वम की ज़िंदगी को पढ़ें ज़िंदगी का मताल करें बेशुमार किताबें उर्दू ज़बान में अंग्रेज़ी ज़बान में मौजूद हैं हम अपने अपने मुाले में उन किताबों को रखें और जब आपकी सीरत पढ़ें तो उसमें जो ख़ास और अहम बाप अखलाक का बाब है अखलाक के बाब का ज़रूर मताल करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के साचे में अपने आप को ढालने की कोशिश करें और एक बात याद रखें आज लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं फ़िलासफ़र हैं दर्जनों डिग्रियाँ मौजूद होती हैं लेकिन अखलाक में बड़े कोरे और बड़े कच्चे होते हैं अखलाक में बड़े कमज़ोर होते हैं घंटों घंटों गुफ्तु करने की ताकत तो रखते हैं गुफ्तार के गी तो हैं लेकिन किरदार के गाज़ी बड़े कम हैं बहुत कम हैं अलामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, है। इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों से मुह लेता है गुफ्तार का गाजी बन तो गया किरदार का गाजी बन ना सका बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है अल्लाह के लिए गुफ्तार का गाजी बनने के बजाय किरदार का गाजी बनने की कोशिश कीजिए अपने अखलाक और अपने किरदार को दुरुस्त कीजिए अगर हमारे अखलाक अच्छे नहीं हैं तो हम दीन की सही तबलीग नहीं कर सकते अगर हमारे अखलाक अच्छे नहीं हैं तो हम बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकते हैं अगर हमारे अखलाक अच्छे नहीं हैं तो हम बेहतर उस्ताद नहीं हो सकते हैं एक उस्ताद के अलाक अगर अच्छे ना हों तो अपने स्टूडेंट्स को तलबा और तालिबात को मतम नहीं कर सकता है तलबा और तालिबाद के अखलाक अच्छे ना हों तो वो अपने उस से सही मानों में फ़ायदा नहीं उठा सकते अगर अखलाक अच्छे ना हों तो एक मालिक एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अपने कस्टमर्स को मतम नहीं कर सकता है। उसकी दुकान नहीं चल सकती है अगर अखलाक अखलाक अच्छे ना हो एक खादिम एक काम वाला कहीं भी किसी भी कंपनी या किसी भी जगह या किसी भी दुकान में अपने कदम नहीं जमा सकता है तो अल्लाह के लिए हम मुसलमान हैं बेहतर मुसलमान होने के साथ साथ हम बेहतर इंसान बनने की भी कोशिश करें हम बेहतर बाप बनने की कोशिश करें बेहतर बेटा बनने की कोशिश करें बेहतर भाई बनने की कोशिश करें बेहतर मुअल्लिम और बेहतर उस्ताद बनने की कोशिश करें अगर ख़ातन हैं तो बेहतर माँ और बेहतर बीवी बनने की कोशिश करें बेहतर बहू बनने की कोशिश करें और नबी करीम जनाब मोहम्मद सल्ला के अखलाक को अपने सामने रखें माविया बिन हकम सुलमी रज़ी हो जो नबी करीम सल्ला के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे दौरान नमाज उनको छींक आ गई किसी को छींक आई नमाजी को उन्होंने जवाब में रहम्कल्ला कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी हरकतें नमाज में सुन रहे थे साहबा उनको घूरने लगे उन्होंने कहा मेरी माँ मुझे गुम करे मुझे क्यों घूर रहे हो उसके बाद साहबा अपनी रानों पर हाथ मार कर उनको खामोश करने लगे मुआविया बिन हकम सलमी खामोश हो गए नमाज खत्म हुई अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम सलाम फेर कर जब मुतवज्जा हुई है, मुसलियों की तरफ हजरत माविया बिन हकम सुलमी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने अल्लाह की कसम ना मुझे डांटा, ना मुझे मारा ना मुझे गाली दी बस आपने मुझसे इतना फरमाया कि ये नमाज नमाज के अंदर इस तरह की गुफ्तगू दुरुस्त नहीं है ये नमाज तस्बीह है ये नमाज तकबीर है ये नमाज खरात कुरान है हज़रत माविया बिन हकम सुलमी कहते अल्लाह की कसम माराई तुमन कबल हो वाला तलीम अल्लाह की कसम मैंने आपके जैसा मा आपसे पहले देखा ना आपके बाद देखा जो इस शफकत के साथ तालीम देने का मलका रखता अल्लाह अकबर नबी करीम सल्हु वसलम का ये अखलाक गोशा था तो आपकी ज़िंदगी को अपने सामने रखते हुए अपने अखलाक को दुरुस्त करने की कोशिश करें अगर हम मंद होंगे तो इन शुभ इन जो है हर जगह मकबूलियत हासिल करेंगे और एक बात याद रखें जब हम किसी अजनबी जगह में जाते हैं तो अपनी डिग्रियाँ अपनी सर्टिफिकेट अपने गले में लटका कर नहीं जाते हैं हमारे असनाद हमारे पीठों पर चस्पा नहीं होते और हम उनको उनका उनको जो है आवेशा करते हुए नहीं जाते हैं बल्कि हम जो है अपने अखलाक से पहचाने जाते हैं अपनी बातचीत और अपनी गुफ्तगू से हमारे हमारे अखलाक और किरदार जो है नुमाया होते हैं तो अल्लाह के लिए अपने अखलाक को दुरुस्त कीजिए और अपने अखलाक को बेहतर बनाइए और जब अखलाक की बात आए अल्लाह के नबी जनाब महम्मदरसूल्ला सल्ला व्म की ज़िंदगी को आपकी सीरत को और आपके हसन अखलाक को अपने सामने रखिए और उसी की रोशनी में अपनी अखलाकी तरबियत कीजिए और जितनी बद अखलाक़ियाँ हैं बद अखलाकियों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिए यही अमल ऐसा है जो दुनिया में भी हमें इज्ज़त दिलाएगा और आखरत में भी हमारे लिए सरफराजी और कामयाबी का बायस बनेगा बस इन्हीं बातों पर मैं अपनी गुफ्तु ख़त्म कर रहा हूँ अल्लाह ताली से मैं दुआ करता हूँ करब अमीन हम तमाम लोगों को हसन अखलाक वाला बनाए अल्लाह ताला हम सब के अखलाक को बेहतर और दुरुस्त बना दे अखलाक के बिगाड़ की जितनी भी चीज़ें हैं जितनी बुराइयाँ हैं अखलाक को बिगाड़ने वाली अल्लाह ताला तमाम बुराइयों से हम सब को अपने आप को दूर रखने की तोफ़ी अत फरमाए अल्लाह ताली हमें अल्लाह और बंदों के हकूक़ को सही तौर पर अदा करने की तोफ़ी अत फरमाए नाज्रन और तमाम खुवात को अपने अमाल और अपने किरदार को दुरुस्त करने की तोफ़ी क़ता फ़रमाए अब अल्लाह रब्लम से मैं दुआ कर रहा हूँ कि रबालमीन हमारे हर अमल और हमारी हर खिदमत को कबूल फ़रमाए और हमारी ख़ताओं और हमारी गलतियों को दरगुजर फरमाए आमीन सुम्मा आमीन अकोल्क़ोलिहादा अस्तफ़रल्लकम वलसारमसलम फ़स्तफ़िरफ़ूरहीम व आख़िर ला रबालमीन والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته